जानेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ा दंगा कराने की फिराक में है। दरअसल ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि रामनवमी के मौके पर यानी कि 17 अप्रैल को दंगा होने की आशंका है। बीजेपी अब ममता के इस बयान को लोकसभा चुनाव में उनकी हार की बौखलाहट बता रही है कि वो जानती है वो लोकसभा चुनाव में सीटें हारने वाली हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयान दे रही है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले 17 अप्रैल को बीजेपी दंगा करा सकती है। মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা, 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। সিএম মমতা নে বিজেপি পর চুনাও সে পহলে দঙ্গা করানে কা আরোপ লগায়া তো বিজেপি ভি দিদি পর অ্যাটাকিং মোড মে আ গই। बीजेपी ने इस बयान को ममता बनर्जी की हताशा बताया। बीजेपी की माने तो दीदी लोकसभा चुनाव हार रही हैं और इसी बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही हैं। एंड ममता बनर्जी इज एक्चुअली लूजिंग द ग्राउंड, दैट्स व्हाई ही शी इज टेम्प्टेड एवरीव्हेयर थ्रू आउट द नॉर्थ बंगाल। शी इज होल्डिंग वन आफ्टर वन रैली एंड एवरी रैली इज जस्ट ए फ्लॉप शो। Not more than that. Around 5,000 people are coming. पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की लड़ाई सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बड़े और गंभीर आरोप लगा रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव में वो एक दूसरे पर खुद को हावी दिखा सकें।